नमस्कार, मैं अनुपूर्णा विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में पुलिस की सक्रियता इतनी तेज कि अपराधियों के पसीने तो छूट गए, साथ ही अपराध करने वाले में हड़कंप मच गया। जी हां, आपने ठीक सुना है, एक के बाद एक सफलता पुलिस को मिलती जा रही है। आपको बता दें कि आगामी त्योहार मुहर्रम, दशहरा, दीपावली, छठ इत्यादि को देखते हुए अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें चोरी के 12 बाइक एवं 4 पहिया वाहन बरामद के साथ 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसे बलिया से नवल जी के साथ अखिलेश सैनी की एक खास रिपोर्ट। दिनांक 4 सितम्बर 2019 को वाहन चेकिंग के दौरान ये सूचना मिली कि दरिछड़ बाबा की कुटिया के पास में कुछ लोग चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ मौजूद हैं, जो इन दोपहिया वाहनों को बिहार में ले जाकर बेचने की प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस की टीम गठित की गई और उस स्थान को चारों तरफ से घेर कर और वहां पर तलाशी ली गई, तो वहां पर बांसडी और मनियर क्षेत्र के रहने वाले कुल 7 आदमी मिले, जिनके पास से 12 दोपहिया वाहन बरामद हुए हैं। अधिकतर वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं है या नंबर प्लेट परिवर्तित है, और एक चार पहिया वाहन भी मिला है, I-20 गाड़ी है, जिस पर वेस्ट बंगाल का नंबर दर्ज अंकित है। पूछताछ की गई, जानकारी की गई, तो पता चला कि ये अलग अलग स्थानों पर ये गाड़ियां चोरी की गई हैं और इनको सबको तत्काल मौके पर गिरफ्तार किया गया है और सभी गाड़ियों को लाके यहां पर दाखिल किया गया। एक अभियुक्त के पास से एक तमंचा, 1000 जिंदा कारतूस, 115 बोतल बरामद हुआ है।